नूडल्स की सॉलिड सैलेड बना रहे हैं और उसके लिए इंग्रेडिएंट्स भी आपको बताते हैं, उसके प्रोसेस की जानिब भी चलते हैं। स्पैगेटी मौजूद है और ये एक बाउल लेना है, इसमें ऐड करते हैं दोस्तों स्पैगेटी बॉइल्ड है, ठीक है, उबली हुई स्पैगेटी है, ठीक है, बॉइल्ड स्पैगेटी ऐड करते हैं इसके अंदर वेजिटेबल्स, ठीक है, और क्या वेजिटेबल ऐड कर रहे हैं आपको बस बताते हैं दोस्तों। कैरेट मौजूद है, गाजर जो कि नज़र के लिए बहुत अच्छी क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है काफ़ी मिकदार। ये चाइनीज गाजर है, ठीक है, सर स्लाइस किया, और गाजर के बाद स्प्रिंग अनियन ग्रीन पार्ट लेते हैं, हरी प्याज का, इसे भी काटने के बाद इस तरह से आपने कर लेना है। उसमें गाजर शामिल की, हरी प्याज शामिल की, उसके साथ ही कुछ और चीजें ऐड करते हैं, चिली गार्लिक सॉस या फिर टोमेटो केचप ऐड करना है इसी के अंदर दोस्तों। देखिए आप एंड जरा करते हैं मिक्स और साथ ही कुछ स्पाइसेस, और स्पाइसेस में ऐड करते हैं नमक, सॉल्ट, सॉल्ट के बाद काली मिर्च कुटी हुई, क्रस्ट ब्लैक पेपर, स्पेगेटी के बाद हमने कैरेट और स्प्रिंग अनियन ऐड की थी, जरा सी कैबेज लेते हैं, बंद गोभी भी, वक्त बहुत कम है दोस्तों, इस तरह आपने जूलियन कर लेना है, और जूलियन कैबेज भी इसी के अंदर ऐड की, कुछ सब्जियां थी काफी हेल्दी सा हमारा सैलड जिसमें चिली गार्लिक सॉस भी ऐड की थी, ठीक है। क्विकली विद इन फ्यू मिनट्स आप अगर स्पेगेटी बॉइल्ड है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं तैयार। दोस्तों वक्त कम है और ये सैलड हो चुका है तैयार, स्पेगेटी सैलड काफी हेल्दी, यमी, टेम्पटिंग।